गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मनमोहना सा शो लेकर मैं आपके सामने हूँ और आपको आज कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ रिलेटेड टू साड़ी, जैसे कि मैंने आज पहना हुआ है। आपको पता है ज्यादातर लाइक नॉर्मली साड़ी इंडिया का ड्रेस है और वो लोग अब जो है यंग लड़कियां थी साड़ियां पहने हुए आपको नजर नहीं आती, जो एजड खवातीन है वो साड़ियां पहनी हुई होती, लेकिन हमारे यहाँ साड़ी हमेशा तभी पहनी जाती है जब कोई तकरीब हो, कोई बड़ी चीज हो, और साड़ी पहनने वालों को ज्यादा तैयार समझा जाता है, कंसिडर ये किया जाता है कि वो बहुत तैयार है। जैसे हम कहीं डिनर पे जा रहे होते हैं, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मैं कॉटन की साड़ी पहन लूँ, प्लेन सी, वाइट सी या ऑफ वाइट सी, नहीं नहीं तो तैयार होकर जाने की क्या जरूरत है, मुझे तो यही सुनने को मिलता है। और अक्सर आप देखेंगे शादी ब्याह में जो माइयो है उसका खास ड्रेस, तंग पजामा रंग रखा, या मेहंदी का भी इसी तरह का कुछ होता है शरारा, लेकिन जो वलीमा है वलीमे का खास ड्रेस अगर आप हर शादी पे देखेंगे वीडियोस में सबको आप जो है वो साड़ी पहने हुए देखेंगे। हाँ भाई ये तो अब वलीमे में सब साड़ी पहनेंगे। मैंने ज्यादातर वलीमों में सबको साड़ी जेबतन किए हुए देखा है और कुछ पे बहुत अच्छी लगती है, कुछ को बिल्कुल कैरी नहीं करनी आती, कुछ को बिल्कुल समझ नहीं आता कि साड़ी को कैसे बांधें क्या करें, कुछ बहुत छोटी हाइट की भी खवातीन होती है जो साड़ी को इतने अच्छे से मतलब लाइक प्रॉपर तरीके से पहनती है और उन पर सूट करता है, और कुछ बहुत टॉल भी होती है वो पहन के बिल्कुल खंबा लगती है जैसे उनके ऊपर बस कोई कोई चीज़ लिपटी हुई है, उनको साड़ी का ढंग नहीं आता और शायद ढंग मुझे भी नहीं आता होगा, इसलिए मैं इस तरह के शोज करती रहती हूँ कि जो साड़ी का ढंग है वो पहनने का ढंग, हर कपड़े का पहनने का एक ढंग होता है, अगर उसको उस ढंग से ना पहना जाए, बड़े बड़े दुपट्टे हैं या गरारे हैं या तंग पजामे हैं, कोई भी कपड़े, यहाँ तक कि वेस्टर्न आउटफिट्स भी, अगर आप जीन्स शर्ट भी पहनते हैं वो भी उस ढंग से जिस ढंग से पहनने चाहिए उससे ना पहने जाएं तो अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए क्योंकि साड़ी हमारे यहाँ तकरीबात में काफ़ी मकबूल है और पहनी जाती है, तो इसीलिए मैं आपको मुख्तलिफ साड़ियों के प्रोग्राम दिखाती रहती हूँ फरावानी से। अब कुछ अगर आप फैक्ट्स पे जाएं, हम सर्च कर रहे थे तो हमें पता चला कि साड़ी जो है सबसे पुराना जो कपड़ा है, मतलब एंशिएंट के ज़माने से एंशिएंट उसको कपड़ा कहेंगे साड़ी को, कदीमी एग्जैक्टली अगर मैं उर्दू में बोलूँगी तो कदीम, अगर आप देखें हिस्ट्री में नज़र आता है साड़ियों का, और अलग अलग तरीके से बांधी जाती थी साड़ी, बांग्लादेश में बहुत ऊंची साड़ी बांधी जाती है बाकायदा, वो बांग्लादेश में तो साड़ी पहन के काम कर रहे होते हैं लोग बाकायदा, मैंने देखा है अक्सर फिल्मों में भी देखा है, वैसे भी नॉर्मली लोग काम कर रहे हो तो हम तो चल भी ले साड़ी को पकड़ के ना, तो मतलब लाइक बड़े एक नज़ाकत से और बड़ा यू मतलब लाइक बड़ा एक कंसिडर करके ना, मतलब मुझे तो बहुत ही फैंसी आइटम ये लगता है, मुझे बिल्कुल आई थिंक मुझे आदत नहीं है तो मुझे कम्फर्ट नहीं फील होता ये पहन के, शलवार कमीज में आप उछलवा लें कुदवा लें घर के काम करवा लें हम सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि मुझे तो शलवार कमीज बड़ा एक ईजी और हमारा नेशनल ड्रेस तो है ही, लेकिन बड़ा ईजी बड़ा कम्फर्टेबल है, आपके 10,000 ऐब छुपा देता है, अगर आप मोटे भी हो गए तो वो कपड़े ऐसे पहन लें आप, दुपट्टा लंबा बड़ा ले लें, मगर साड़ी में मेरा ख्याल से आपको काफ़ी कुछ बड़ा स्मार्ट होना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा अब अगर मैं कैटेगराइज करूँ कि सबसे ज़्यादा कौन मटेरियल की साड़ी इस्तेमाल की जाती है, लोग पसंद करते हैं, तो नंबर वन पे जी आ रहा है रिसर्च में जॉर्जेट की साड़ी, वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि देखिए जॉर्जेट पतला है कपड़ा, फॉल होती है तो साड़ी में आप एक दुबला लुक नज़र आता है उस जॉर्जेट की वजह से, तो इसलिए लोग जॉर्जेट की साड़ी बहुत पसंद करते हैं। फिर अगर आप नंबर 2 पे देखें तो लोग सिल्क की साड़ी को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि उसकी भी एक शाइन, एक फॉल वाले कपड़े जो है ना हमेशा साड़ी में बड़े उम्दा लगते हैं। फिर देखिए नंबर 1 क्या था, मैं भूल गई बता के, जॉर्जेट, नंबर 1 जॉर्जेट था, नंबर 2 सिल्क, और नंबर 3 जो है वो शिफॉन है, नंबर 3 पे शिफॉन की साड़ी है, शिफॉन भी एक बड़ा मज़ेदार मटेरियल है, बड़ा अच्छा रहता है गर्मी के लिहाज से भी, जॉर्जेट से आई थिंक सो बेहतर है शिफॉन। फिर आ जाती है नंबर 4 पे कॉटन की साड़ी, वो फिर मकबूल है लोगों में, और कॉटन की साड़ी मैंने आमतौर पे देखा है लोगों को पहन के वो मज़े से काम कर रहे होते हैं, साड़ी सिली भी नहीं होती बंदी भी होती है और वो टक 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 टक, बहुत सारी ऐसी खवातीन पाकिस्तान में भी हैं जिनको कॉटन की साड़ी पहनने की आदत है और वो कोई और कपड़े पहन ही नहीं सकते अलावा के साड़ी के, उनको इतनी आदत होती है उसको उसके साथ काम करने की, तो
नेट की साड़ी जो है ना उसका सबसे आखिरी नंबर आता है, क्योंकि देखिए नेट में ना फॉल नहीं होता। अब नेट की मैंने पहनी तो है, लेकिन वो पता नहीं मैं यहाँ से मोटी लग रही हूँ, वहां से मोटी लग रही हूँ, लेकिन अगर मैंने यही जॉर्जेट में पहनी होती तो वो एक यूं मलाई की तरह गिर रहा होता ना कपड़ा। तो नेट की साड़ी सबसे आखिरी नंबर पे पसंद की जाती है, मगर अगर आप देखें तो नेट के ऊपर काम बड़ा अच्छा लगता है। आपने जो काम पहना होता है वो नेट पे बहुत खूबसूरत लगता है, और नेट भी आपको साड़ी के लिए बड़ा अच्छा वाला नेट लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें इतना सारा काम हुआ हुआ होता है। अच्छा, अब आज हमें सवाल ये करना है कि कौन सा ऐसा साड़ी का मटेरियल है जिसमें आप मोटे लग सकते हैं, कौन सा ऐसा मटेरियल है। ऑर्गेन्जा में लग सकते हैं आप मोटे, कॉटन में आप लग सकते हैं मोटे, और हाँ जैकेट जैकेट की साड़ी में रख सकते हैं मोटे, बनारसी साड़ी में तो इतनी मोटी लुक आती है, और बहुत सारी खवातीन जो बल्की भी होती हैं वो बनारसी साड़ियाँ पहन लेती हैं, और फिर वो कोई अल्लाह माफ़ करे, मतलब लाइक मैं किसी का बॉडी शेमिंग नहीं कर रही, लेकिन वो गाँव तकिया लगती है, क्योंकि वो सही कैरी नहीं कर रही होती वो। सीरियसली अगर आप ढंग से साड़ी नहीं पहनेंगे तो जो है कितनी महंगी, कितनी खूबसूरत, कितनी बनारसी, कितनी आपने कहीं से भी मंगाई होगी वो अच्छी नहीं लगेगी। बनारसी साड़ी पहनने का क्या ढंग है, कॉटन की साड़ी पहनने का क्या ढंग है, और किसे मोटे लगते हैं, ऑर्गेन्जा की साड़ी पहनने का क्या ढंग है, ये सब आज हम आपको बताने वाले। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जिसको ढंग आता है पहनने का, वो ऑर्गेन्जा क्या, कॉटन क्या, वो कोई भी मटेरियल बहुत ही अच्छे से कैरी करता है। अब हमारे यहाँ कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं जो कपड़ा पहनती हैं उन पर बहुत जचता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। साड़ी के लुक्स आज काशिफ आपको करके बताएंगे, साड़ी के मुख्तलिफ लुक्स हम आपको यहाँ लाइव करके दिखाएंगे, बहुत मस्ती भरा शो होगा, हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट भी होंगे हमारे साथ, और बहुत सारे गप्पे भी लड़ेंगे। तो छोटे से वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद हम आएंगे वापस और आपके साथ इंजॉय करेंगे एक ऐसा प्रोग्राम जो है साड़ी बेस्ड। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।